और हर एक कंपनी का अकाउंटेंट जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जो सिस्टम है या टाइप है उसको सिलेक्ट कर सकता है हेयर वी विल लुक एट टू सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग या हम दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम जो हमने पहले भी सुना हुआ है एंड वी विल लर्न अबाउट द टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और हम टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी सीखेंगे दैट इज़ कैश बेसिस एंड एक्रूल बेसिस सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स टू द टू सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंडर हमारे पास टू सिस्टम्स हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने के लिए दिज टू सिस्टम्स आर द सिंगल एंट्री सिस्टम एंड द डबल और ड्यूल एंट्री सिस्टम वो दो सिस्टम के नाम हैं सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम सो लेट अस लर्न अबाउट दिज टू सिस्टम्स इन ब्रीफ सो हेयर इज़ द डिफ्रेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम अगर हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंस पढ़ लेंगे तो हमें इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ फ्यरली सिंपल एंड अनकॉम्प्लीकेटेड इन नेचर बिल्कुल नाम से ही क्लियर है कि सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत ईजी होता है और अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब इसमें हमें कोई रूल्स रेगुलेशन का ध्यान तो रखना ही नहीं है वे आर डबल एंट्री सिस्टम इट इज़ मोर साइंटिफिक एंड कॉम्प्लेक्स अप्रोच टू अकाउंटिंग ये थोड़ा साइंटिफिक है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में जैसे हमने पहले स्टडी किया कि हमें काफ़ी रूल्स रेगुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है और हर एक एंट्री का डेबिट और क्रेडिट प्रोस्पेक्ट भी देखना पड़ता है सो so, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू सिंगल एंट्री सिस्टम सेकेंड पॉइंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ इट इज़ एन इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एज डबल एंट्री सिस्टम इट इज़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ एक आस्पेक्ट देखते हैं इसलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम में हम दोनों प्रॉस्पेक्ट देखते हैं डेबिट एज वेल एज क्रेडिट सो इसलिए इसको कंप्लीट रिकॉर्ड कहा जाता है अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊँ तो जैसे मेरे पास कुछ अमाउंट है तो मेरे गेस्ट आके मुझे पैसा दिए जाते हैं या मैं किसी को दे देती हूँ तो मैं सिर्फ ये ध्यान दे रही हूँ कि मेरे पास कितना आया कितना गया ये नहीं मैं देखती कि मैंने किसको दिया या मुझे कहाँ से आया तो मैं सिर्फ एक प्रॉस्पेक्ट देख रही हूँ दैट इज़ मेरे पैसे बढ़े या कम हुए बट डबल एंट्री सिस्टम में मैं प्रॉपर ध्यान रखूँगी किसने मुझे कितना दिया या मैंने किसको कितना दिया सो so, हर एक डेबिट और हर एक क्रेडिट का ध्यान रखूंगी तो वो डबल एंट्री सिस्टम होगा थर्ड पॉइंट इज़ इन सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर एंड पॉसिबल फ्रॉड्स कि सिंगल एंट्री सिस्टम में गलतियाँ ढूंढना या फ्रॉड को ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम इसमें दोनों प्रॉस्पेक्ट तो नोट ही नहीं कर रहे हम तो सिर्फ यही देख रहे हैं कि क्या आया और क्या गया इसलिए फ्रॉड और एरर का पता लगाना बहुत मुश्किल है वेयर एज अंडर डबल एंट्री सिस्टम मच ईजियर टू स्पॉट एरर और डिटेक्ट फ्रॉड अंडर दिस सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम में गलतियाँ ढूंढना भी हमारे लिए ईजी है और फ्रॉड का पता लगाना भी हमारे लिए इजी है क्योंकि हमें पता है कि हम ट्रांजेक्शन के दोनों प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं हम आगे सीखेंगे कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जब हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करता तो वहीं से हमें हिंट मिलना स्टार्ट हो जाता है कि हमने कोई गलती कर दी है या फ्रॉड होना स्टार्ट हो गया सो वहाँ गलतियों का पता लगाना थोड़ा ईजी हो जाता है फोर्थ पॉइंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली टू Types of accounts are kept that is personal and cash, whereas in double entry system all three types of accounts are to be maintained personal, nominal and real. अगर हम single entry की बात करें तो इसमें सिर्फ एक personal account ध्यान रखा जाता है और एक सिर्फ cash account. और डबल एंट्री सिस्टम में हमारे पास पर्सनल रियल और नॉमिनल हम तीनों अकाउंट देखते हैं आप अब खुद ही देख सकते हैं कि जहाँ सिर्फ हम दो ही अकाउंट देख रहे हैं और बाकी सभी आइटम्स को स्किप कर रहे हैं बाकी सभी अकाउंट को स्किप कर रहे हैं तो वो कंप्लीट कैसे हो सकता है डबल एंट्री सिस्टम में हम पर्सनल रियल और नॉमिनल तीनों को ध्यान में रख रहे हैं तो बट ऑबियस है वो कम्प्लीट भी होगा और ज़्यादा सही भी होगा देन फिफ्थ पॉइंट इज़ दिस सिस्टम इज़ नॉट सुटेबल फॉर टैक्स पर्पज वेअर एस डबल एंट्री सिस्टम इट इज़ ईजी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स सिंगल एंट्री सिस्टम में जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो कभी भी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होते सो so ये इनकम टैक्स में एक्सेप्टेबल भी नहीं होते वेयर एज डबल एंट्री सिस्टम सिस्टम अ लॉ फॉर द इजी डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस डबल एंट्री सिस्टम में हम प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रख के हर टाइप ऑफ अकाउंट को ध्यान में रख के अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं और जो हमारे पास लास्ट में प्रॉफिट और लॉस आता है वो हमें टैक्स पे करने में हेल्प करता है सो सिंगल एंट्री कभी भी हम टैक्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर टैक्स कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू प्रिपेयर डबल एंट्री सिस्टम नाउ द लास्ट पॉइंट इज डज़ नॉट अ लॉ फॉर द दर्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर वेयर एज डबल एंट्री सिस्टम बाई यूजिंग दिस सिस्टम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिटर्मिन विद एकोरेसी सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें कभी भी अपनी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं पता लगता एक्यूरेट कभी नहीं पता लगता क्योंकि जब हमारे अकाउंट्स यही कंप्लीट हैं तो हमें कैसे पता लगेगा और डबल एंट्री सिस्टम जो है वो अपने आप में ही कंप्लीट है और इसकी हेल्प से हमें अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में भी पता लगता है और हम जो है सही सही विद एक्यूरेसी अपना करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं सो so ये हमने डिफरेंस पढ़ लिया बट स्टिल अब अगर हमें इतना ही पता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम्स है वो सही नहीं है फिर भी हम इसको क्यों प्रिपेयर करते हैं ये क्वेश्चन क्वेश्चनराइज होता है तो सभी डबल एंट्री सिस्टम को क्यों नहीं फॉलो कर लेते सिंगल एंट्री सिस्टम किन के लिए बना है सबसे पहले ये ठीक है अगर लॉ ने आपको दो सिस्टम दिए हैं तो दोनों की कोई ना कोई वैलिडिटी जरूर होगी तो हमें वो पहले समझना पड़ेगा सिंगल एंट्री सिस्टम सिर्फ़ उन लोगों के लिए या उन कंपनीज़ के लिए या उन सेलर्स के लिए बना है जो बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जैसे हमारे घर के साथ बिल्कुल शॉप होती है थोड़ा बहुत वो लोकेलेटी में गुड्स और सर्विसेज देते हैं और अपना पैसा जो है वो अर्न कर लेते हैं तो ऐसे लोगों को इतना कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड डबल रूल्स एंट्री सीखने की क्या ज़रूरत है

कि इस बेसिस ऑफ़ अकाउंटिंग में एक ट्रांजेक्शन को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी लिखते हैं जब एक्चुअल में हमें कैश आएगा या हम कैश की पेमेंट करेंगे द इनकम इज कैलकुलेटेड एज द असेस ऑफ एक्चुअल कैश रिसिप्ट ओवर एक्चुअल कैश पेमेंट इसमें हम यही देखते कि हमने कितनी कैश रिसिप्ट हमारे पास आए हमने कितनी कैश पेमेंट की और डिफरेंस बिटवीन द बोथ रिप्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस एंट्री इज़ नॉट रिकॉर्डेड वैन अ पेमेंट और रिसिप्ट मेली ड्यू दैट इज़ आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग ए क्र्यूड आर नॉट रीटिड दिस मैथड इज़ कॉन्ट्रेरी टू द मैचिंग प्रिंसिपल इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है जैसे मैंने पहले बताया कि हम सिर्फ इसमें वही ट्रांजेक्शन लिखते हैं जब हमें एक्चुअल में कैश आया कैश गया इसमें हम कोई आउट कोई ए क्र्यूड नहीं नोट करते जैसे मैंने अपने इम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है दी नहीं अभी देनी है वो ड्यू होगी ठीक है तो इसको मैं नोट ही नहीं करूँगी अब बश बेश उनको मैं दो महीने बाद या तीन महीने बाद जब भी पेमेंट करूँगी तभी नोट करूंगी क्लियर तो जो हमने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें तो कहते थे कि एक साल के खर्चे एक साल की इनकम सभी दिखाओ ताकि आपको सही प्रॉफिट एंड लॉस पता लग जाए बट कैश बेसिस इसका कॉन्ट्रेरी है इसका बिल्कुल ऑपोजिट है तो कैश बेसिस में हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं जब एक्चुअल में कैश आया और एक्चुअल में कैश गया कोई उधार वाली कोई आउटस्टैंडिंग वाली कोई एक कुछ भी हम इसमें नोट नहीं करते सेकेंड इज ए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू एंड आर रिकॉर्डेड वैन दे आर रिकोगनाइज दैट इज इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम वैन इट इज ए क्रूड इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेयर एज कैश इज रिसीव्ड और नॉट ये बिल्कुल सेम है जो हमने एक बेसिस प्रिंसिपल भी पढ़ा कि जो ट्रांजेक्शन जब हुई तभी हमने उसको नोट कर लेनी है डजन मैटर पैसा मिला या नहीं मिला ठीक है सिमिलरली एक्सपेंसिज आर रिकॉर्डेड वैन दे आर इंकड और बिकम ड्यू नॉट वेन द कैश इज़ पेड फॉर देम सो खर्चे भी ऐसे ही हैं कि जब आपने वो खर्चा कर लिया बेशक आप अब पैसे दे आए कि आपने पैसे नहीं दिए बट खर्चा आपने कर लिया हम तभी उसको नोट कर लेंगे अंडर दिस सिस्टम एक्सपेंसिव सर्च एड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रिड रिसीव्ड इन एडवांस आइडेंटिफाइड एंड टिक टू अकाउंट तो इसमें हम सभी एडजस्टमेंट्स करते हैं बेशक कोई आउटस्टैंडिंग वाली हो बेशक कोई प्री पेड वाली हो या कोई एडवांस वाली हो हम सब कुछ इसमें नोट करेंगे अंडर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन ऑल कंपनीज़ आर रिक्वायर्ड टू मेनटेन देयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू एूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन में ये कंपल्सरी कर दिया गया है कि हर एक कंपनी को जो है एक्रीअल बेसिस ही मानकर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा ठीक है सो कैश बेसिस में हम सिर्फ कैश की बात करते जब कैश आएगा जाएगा तभी नोट करेंगे एक्रूल में हम बात करते कि पैसे से कोई रिलेशन नहीं है जब कोई ट्रांजेक्शन होगी उसी दिन हम उसको नोट कर लेंगे और इन दोनों में से सही भी एक रूल है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें जैसे हमने जर्नल प्रिपेयर किया था तो जर्नल में हम कोई डिफरेंस थोड़ा करते थे कि क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन है या आउटस्टैंडिंग वाली है या क्रूड वाली है हम हर एक ट्रांजेक्शन को जो है वो लिखी जा रहे हैं तभी तो हमारा जर्नल सही बन रहा है तो मतलब हम कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली अपने अकाउंट्स बना रहे हैं दैट इज़ ए क्रील बेसिस ऑफ अकाउंटिंग

करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट अ सर्टेन बिकॉज इट अकाउंट्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन अगर हम अक्र्यूज सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो हम बिल्कुल सही प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमने हर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी है अगर हर प्रॉस्पेक्ट कवर करेंगे तभी जो है प्रॉफिट और लॉस सही आएगा और कैश बेसिस में क्या है कि सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन को नोट किया तो ऐसा तो होता ही नहीं कि कंपनी में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही हो कोई ना कोई उधार या कोई ना कोई आउटस्टैंडिंग या कोई ना कोई क्र्यूड तो जरूर होगा जब हम पूरी ट्रांजेक्शन को ही नहीं लिख रहे तो सही प्रॉफिट और लॉस भी नहीं आ सकता थर्ड पॉइंट डिस्टिक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू अंडर एक्र्यूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दिस मैथड मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम वेअर एज अंडर कैश दिस मैथड डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम एक्र्यूल में हम प्रॉपर डिफरेंस करते हैं कि कौन सी आइटम को कैपिटल बोलना है और कौन सी आइटम को रेवेन्यू बोलना है बट कैश बेसिस में हम ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं करते क्योंकि हम सिर्फ ध्यान ही यही दे रहे हैं जब पैसा आएगा लिख लेंगे जब पैसा जाएगा तो लिख लेंगे तो हम इसमें कैपिटल और रेवेन्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं करते एंड द लास्ट पॉइंट इज लीगल पोजिशन एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज recognized अंडर the कंपनीज़ एक्ट एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉट रिकोगनाइज अंडर the कंपनीज़ एक्ट जो ऐसे हमने पहले पढ़ा कि वहाँ लिखा भी गया था कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 में बोला गया है कि एक्रूल एक बेसिस को लेकर हमने जो अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं ठीक है सो so, एक्रूल बेसिस को ही कंपनीज एक्ट में सही माना जाता है और वो लिखा भी गया है कैश बेसिस को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता क्लियर सो so, पहले हमने इसका मीनिंग भी पढ़ लिया सेपरेट फिर डिफरेंस भी पढ़ लिया सो मोर एक्सेप्टेबल इज़ एक्रीअल बेसिस बिकॉज इसमें हम हर टाइप की ट्रांजेक्शन को कवर करते हैं जो हमें हेल्प करती है टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव भी है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फिर उन्हीं के लिए है जो बहुत स्मॉल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं जिन्होंने बस यही देखना क्या आया और क्या गया सो दिस वॉज़ अबाउट सिस्टम एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ चैप्टर नंबर टू